हे गाइस, तो आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस के ऊ कॉमर्स में हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, वेरिएंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, और एसकेयू में कैसे ऐसे हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं वर्डप्रेस के बैकएंड में जाता हूँ। बैकएंड में आके सबसे पहले तो मैं ये देखते हैं कि अपन कैटेगरी कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले वर्डप्रेस में एडमिन पैनल में आ चुके हैं, और यहाँ पे कैटेगरी पे हम पहले क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट में कैटेगरी पे जाना है हमें, और यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से प्रोडक्ट की कैटेगरी हम ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कैटेगरी है, मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ शर्ट का, फॉर्मल शर्ट का, फॉर्मल शर्ट्स हो गया। और यहाँ पे मैं उस कैटेगरी को ऐड कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ थंबनेल का आ रहा है, ये इसके इंटरनल फंक्शनैलिटी के कारण यहाँ दिख रहा है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ये आप में नहीं आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कैटेगरी ऐड हो गया है। अब हमें इसमें प्रोडक्ट ऐड करना है, तो उसके पहले हम ये देख लें कि कैसे हम एट्रीब्यूट्स ऐड करना कैसे करते हैं, और उसके अंदर कैसे हम साइज, कलर, जिस टाइप के भी एट्रीब्यूट्स की हमें रिक्वायरमेंट है वैसे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दो पहले से एट्रीब्यूट्स बने हुए हैं, तो मैं दोनों को डिलीट करता हूँ और फिर से हम एक फ्रेश से पहले एट्रीब्यूट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? तो कलर वाला एट्रीब्यूट्स डिलीट हो चुका है एंड साइज वाला भी डिलीट हो गया। तो सबसे पहले हम कलर वाला जो है, हम कलर वाला बना लेते हैं और उसको यूज करके देखेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले बस यहाँ हमने कलर लिखा और एट्रीब्यूट्स में किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर के नाम से एट्रीब्यूट्स बन गया। अब उसके अंदर ऑर्डरिंग करना है, हमें टर्म्स लगाना है कि इस टाइप के कलर होंगे हमारे पास। तो राइट नाउ हम इस पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा कन्फिगर टर्म्स, आप इस पे क्लिक करोगे। कन्फिगर टर्म्स करने के बाद आपको यहाँ पे, जैसे मैंने, हमारे पास कलर आ रहा है ब्लैक, हम ब्लैक ऐड करते हैं, ऐड न्यू कलर पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक आ चुका है। अब यहाँ पे हम ब्लू कर देते हैं ऐड, और यहाँ पे अब हम करते हैं ग्रीन। ये तीन कलर है जो कि हमने ऐड कर लिया, ये हमारी ऐड हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर वेरिएंट कैसे ऐड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐड न्यू प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहला प्रोडक्ट ऐड करते हैं, स्पार्क्स। और यहाँ पे हम कुछ डेमो कंटेंट डाल लेते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सही दिखे। अब हम यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर्मल शर्ट के नाम से कैटेगरी बनाया था, आप देख सकते हो मैंने कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम आते हैं और देखते हैं कि कैसे वेरिएंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको प्रोडक्ट डेटा के अंदर वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जब आप वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एसकेयू पूछेगा, जो कि आपके प्रोडक्ट का एक आईडी होगा। तो हम उसके लिए लिख देते हैं शर्ट 001, ये मेरे प्रोडक्ट का आईडी हो गया, जो हम बाद में आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ से। तो मैनेज स्टॉक पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टॉक देख सकते हैं। अगर मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यू 100 है, मेरे पास 100 अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं एट्रीब्यूट्स पे, जो हमारा मेन फोकस है। एट्रीब्यूट्स पे आके यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कलर दिख रहा है। मैं कलर पे क्लिक करता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो जितने जो भी कलर का मेरा जो एट्रीब्यूट है, वो ऐड हो गया है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो इसके टर्म्स हैं, उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे बस सेलेक्ट ऑल करते हैं। तो ये तीनों टर्म्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ऐड हो गया है। और यहाँ पे हम, अब यहाँ पे उसको वेरिएंट में दिखाने के लिए हम करेंगे इस पर, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट
ये जो हमारा एट्रीब्यूट्स है ये ऐड हो गया है। अब हम वेरिएंट पे जाएंगे। वेरिएंट पे आने के बाद हम यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट वेरिएंट्स फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गो करेंगे तो ये हमारा एक पॉपअप देगा जिसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद जब यहाँ पे आपको आपके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, आप यहाँ देख सकते हो थ्री वेरिएंट्स आर एडेड, वेरिएंट्स हमारे तीनों ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। अब उस वेरिएंट्स के हिसाब से हम अब उसके इमेजेस वगैरह डिफाइन करेंगे। लाइक अभी आप देख सकते हो मैंने ब्लैक, हमारा जो ब्लैक है ब्लैक कलर में हमारा कौन सा इमेज होगा, तो मैं अब इस चीज़ को आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये ब्लैक टी शर्ट ब्लैक कलर का हमारा हो गया। अगर हम इसकी वेरिएंट अगर ऐड करना चाहते हैं कि इसकी कॉस्टिंग सबकी डिफर हो, तो हम यहाँ मान लो आप 499 कॉस्ट इसकी सेलिंग रेगुलर प्राइस है, बट हम उसको 3399 में सेल कर रहे हैं। ब्लैक की हो गई। अब ब्लू की आते हैं। अब ब्लू के अंदर हम आए, यहाँ पे हमने ब्लू सेलेक्ट कर लिया एक प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू हमारी है 7966, जिसको हम बेच रहे हैं 799 में। ओके, अब आते हैं ग्रीन पे। ग्रीन में हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, इमेज हमने सेलेक्ट कर लिया। वेरिएंट में यहाँ हमने 599 दिया रेगुलर प्राइस और सेलिंग प्राइस 299 दिया, ठीक है। तो ये हमारे तीनों ऐड हो गए और यहाँ पे हम सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। सेव चेंजेस के बाद क्लिक करने के बाद अब हम इसके एक और भी एक इमेज यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो इमेज होगा वो हम ऐड कर देते हैं और इसकी एक गैलरी भी ऐड कर देते हैं जिससे सारे कलर यहाँ पे दिख पाएंगे। तो ये सारे प्रोडक्ट के ऐड हो गए। अब ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो चीज़ों को लेके, जो कि आपका वहाँ पे दिखेगा जो आपके प्रोडक्ट के जस्ट पास होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा कंटेंट यहाँ रहने देते हैं, ज़्यादा हम यहाँ लिखते नहीं हैं, ठीक है। कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर लिया, वेरिएंट प्रोडक्ट पे सेलेक्ट कर ही लिया, सब कुछ हो गया। अब हम इसे पब्लिश करते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा पब्लिश हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट कैसा दिखता है और एट्रीब्यूट्स हमारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, वेरिएंट्स वर्क कर रहा है कि नहीं हमारा। तो ये आप देख सकते हो स्पार्क शर्ट था, ये हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है जिसकी कॉस्टिंग 299 से हमारा जो मिनिमम वैल्यू है और वहाँ मैक्सिमम वैल्यू है वो सारा का सारा हमें यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे आते हैं हम अपना हमारा एट्रीब्यूट्स आप काम कर रहा है कि नहीं देखते हैं। ब्लैक पे क्लिक किया, यू कैन सी डेट कि यहाँ पे ब्लैक कलर हमारा सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे हम ब्लू करते हैं, ब्लू भी हमारा आ गया। ग्रीन करते हैं, ग्रीन आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेजेस चेंज तो हो रहे हैं, साथ में यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग भी चेंज हो रही है और स्टॉक भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, और इसके SKU भी यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोडक्ट ID इसकी क्या है। तो आप देख सकते हो, फिर से मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, आपको फिर से दिखाता हूँ। ब्लैक 399 जो मैंने वहाँ पे रखा था प्राइस, ब्लू में 799 और ग्रीन में 299। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।